बीट्स में आज हम बातचीत करेंगे जियो पॉलिटिक्स पर चाइना अमेरिका इंडिया और वर्ल्ड अफेयर्स रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा तमाशा देखा लास्का में चाइना और अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की आपस में तकरार की सूरत में जियो पॉलिटिक्स के बीट्स के इस सिलसिला में आपके साथ भरपूर एनालिसिस करेंगे आज की दुनिया में पावर किसके हाथ में है या पावर की स्ट्रगल कैसे जाती है सबसे पहले मैं आपको वो तमाशे का वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो अलास्का में हुआ Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters and why we feel an obligation uh, to raise these issues uh, here today. When talking about universal values or international public opinion on the part of the United States, we hope the U.S. side will think about whether it feels reassured saying those things, because the U.S. does not represent the world; it only represents the government of the United States. So you to the two countries' foreign ministers. America said that this is not an internal of in the U.S. चाहे वीगर मुस्लिम्स का मामला हो तिब्बत की बात हो हांगकांग की बात हो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं और चाइना के फॉर मिनिस्टर ने फिर किस तरह तुरंत जवाब दिया उन्होंने कहा कि अमरीका सिर्फ अपनी बात करे अमरीका पूरी दुनिया का नाम नहीं है तो व्यूअर्स ऐसी लैंग्वेज आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी जिस तरह चाइना अब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के बारे में इसका कारण यह है कि चाइना इस वक्त ख़ुद एक बहुत बड़ी इकनॉमिक और साइबर पावर है भले से चाइना इस वक्त मिलिट्री में अमेरिका के बराबर नहीं मगर इकॉनमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में साइंस टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में चाइना अमेरिका के बहुत करीब है अपनी स्ट्रेंथ में तो दुनिया में सबसे बड़ी पावर इकोनॉमिक पावर है इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर है और इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी पर आपकी कितनी गिरफ्त है आपने इस वीडियो क्लिप में अंदाज़ा लगाया होगा कि चीन के वजीर खारजा और चीन के हकाम की बॉडी लैंग्वेज क्या है और उन्होंने अमेरिका को किस तरह तुरंत और तुरश किस्म के जवाब दिए ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा लेकिन इसी मीटिंग में जो कैमरों ने कवर किया उसमें थोड़ी और बातें भी हुई अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सोलवान ने And also we'll share that video clip we do not seek conflict, but we welcome stiff competition and we will always stand up for our principles, for our people and for our friends. we look forward to discussing all of these matters. Agir, so चीन के यांग जीची जो एक बहुत ही डिप्लोमेट भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत सीनियर रुकन भी हैं उन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जवाब देते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी की बात हो या कोई भी बात हो तो आप फाउंडर्स में से हैं आप अमेरिकन का अभी भी बहुत कंट्रोल है हमारे ऊपर हैकिंग का और हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट्स का इल्ज़ाम लगाएं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका आफ्टर ऑल चाइना को क्यों इल्ज़ाम दे रहा है इसलिए कि चाइना इस कैपेबल है और चाइना ने माजी में हैकिंग भी की है और किसी वक्त भी चाइना हैकिंग कर सकता है क्योंकि चाइना की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज अपनी एजुकेशन में प्रोग्रेस अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और अमेरिका के करीब आते आते अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए अब अमेरिका के लिए चैलेंज बने हुए हैं अलास्का में होने वाली इस मीटिंग में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी या ह्यूमन राइट्स या नेशनल इश्यूज की दोनों तरफों की बातचीत ही नहीं हुई इंटरनेशनल इश्यूज पर भी बातचीत हुई और ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में अमेरिका ने जिस तरह चाइना को लेक्चर दिया तो चाइना ने जवाबन कैसे काउंटर किया अलास्का की ही इसी मीटिंग से एक वीडियो क्लिप आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. On human rights, we hope that the United States will do better on human rights. There are many problems within the United States regarding human rights. And the challenges facing the United States in human rights are deep seated. They did not just emerge over the past four years, such as Black Lives Matter. It did not come up only recently. So we do hope that for our two countries, it's important that we manage our respective affairs well instead of deflecting the blame on somebody else in this world. America... स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन में ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में अमेरिका बहुत कंसर्न्ड है तो उसके जवाब में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की ज़रा बात कीजिए कि आपके यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मसला है आपके यहाँ सिस्टमिक रेसिज्म का भी मसला है उनका ये भी कहना था कि आप तो अपने रेसिज्म और अपने ह्यूमन राइट्स के सिलसिला में खुद ही एतराफ करते रहते हैं इस पर अमेरिका के टीवी चैनल्स ने खुद अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कहा कि ये एक तरह से बाइडन सरकार के वीक स्टेट सेक्रेटरी हैं जो डिफेंसिव थे अगरचे स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन का ये भी कहना था कि हम तो अपने इश्यूज़ को मानते हैं मगर चाइना अपने इश्यूज़ को नहीं मानता अमेरिकन पूरी दुनिया से जब ये बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब उनकी डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती है तो तब वो कहते हैं कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ का एहसास है मगर वो स्टेट इम्पोज नहीं है चाइना के ह्यूमन राइट्स इशू चाहे तिब्बत में हो, चाहे सिंकिया में हो, चाहे हांगकांग में हो, वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्पॉन्सर्ड होते हैं लेकिन कुछ कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका को और चाइना को अपनी मोरल सुपेरिटी को कायम रखने के लिए ये बातें करने का शौक़ है लेकिन हकीकत ये है कि डेमोक्रेसी में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी को बहाल करने या कायम करने की हमेशा बात की है अगर चाहिए ये अपनी जगह पे एक रियलिटी है कि अमेरिका को या वेस्टर्न वर्ल्ड को दुनिया में जहाँ कहीं डिक्टेटर शूट करते हैं तो वो उन डिक्टेटर्स का भी साथ देते हैं तब वो ह्यूमन राइट्स की या डेमोक्रेसी की बात नहीं करते तो ये सारा कुछ चैरी पिकिंग का मामला है ये भी कमेंटेटर्स का कहना है कि ये असल में चैरी पिकिंग ही है ह्यूमन राइट्स की जो गर्मा गर्मी चीन और अमेरिका के बीच में हुई कुछ ह्यूमन राइट्स की बातें भारत और अमेरिका के दरमियान भी हुई लेकिन वो बातें ख़बरों का हिस्सा तो बनी लेकिन ज़्यादा बड़ी बात वहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ते रिलेशनशिप्स की ही रही और यही वहाँ का मुद्दा था इस सिलसिला में आप अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जेम्स ऑस्टन और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी की जो गुफ्तगु हुई और वो फिर अलग से अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं वो एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं यू एस एंड इन यूशनशिप इज ए स्ट्रॉन्ग हॉल फ्री एंड ओपन इन दसिफिक रीजन हम भारत अमेरिका के कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को रियलाइज करने के लिए डिटर्मिंड हैं हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कॉपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी जब बात आती है भारत के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट और वहां अपोज़िशन के शोर शराबे के हवाले से तो ख़ुद भारत का मीडिया भारत के पॉलिटिशन भारत की सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स वेस्टर्न वर्ल्ड को दावत देते हैं कि वो आएं और वो कमेंट्री करें उनका ये ख्याल होता है कि इससे भारत की सरकार ब्योक्रेसी या जो भी उनकी उस वक्त की डीप स्टेट इस्टेबलिशमेंट है वो थोड़े से एम्बेरस होंगे और इससे अपोजिशन की सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स की कुछ माइलेज होगी कुछ स्कोरेज हो जाएगी ये उनका ख्याल होता है लेकिन जो बात अमेरिका कहता है या वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं है अगरचे ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बाइडेन जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म भी है ये भी उनका कहना था अब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी हल्के हल्के शब्दों में कभी कह देते हैं हाँ है हम उसको काउंटर करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में मकम्मल तौर पर इनकार किया जाता था कि अमेरिका में सिस्टमिक रेसिज्म है रिपब्लिकन्स की सरकारें अमेरिका में जनरली इस फैक्ट को या इस आर्गूमेंट को डिनाई करती हैं लेकिन डेमोक्रेट्स इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं और जो बाइडेन की सरकार तो कुछ ज़्यादा ही बाय कर रही है लेकिन जब ये भारत से बात करते हैं तो भारत को भी इनको जवाब देना चाहिए कहना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी में कोई सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सिस्टेमिक रेसिज्म नहीं आप तो मानते हैं कि आपके यहाँ सिस्टेमिक रेसिज्म है हमारे यहाँ नहीं है लेकिन भारत की तरफ से अभी तक एपोलोजैटिक रवैया सामने आता है या सरकारें या ब्योक्रेसी या नरेटिव बिल्ड करने वाले इदारे इस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं लेकिन हकीकत यह है कि भारत में भी डेमोक्रेसी अपनी फुल स्पिरिट के साथ है कभी किसी रियासत ने यह नहीं कहा कि रेसिज्म होगी अपोजिशन भारत में ये इल्ज़ाम लगाती है भारत की सरकार पे और ख़ास तौर पर मोदी जी की सरकार पे लेकिन ये भी इस वक्त जियो का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आफ्टर ऑल भारत क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड को उस तरह नहीं ललकारता जिस तरह चाइना ललकारता है किसी हद हाँ तक तो ललकारना पड़ेगा चाइना तो सिस्टमिक स्टेट, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ता इसके बावजूद चाइना अमेरिका और वेस्ट पर अटैक करता है भारत में तो किसी किस्म की स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती लेकिन इसके बावजूद भारत जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे अपना ये जो नेचुरल इमेज है उसको भी पेश नहीं करता ये भी कुछ कमेंटेटर्स शिद्दत से महसूस करते हैं इसी हवाले से रिसेंटली जब अमेरिका के स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जेम्स ऑस्टन ने भारत का दौरा किया तो उन पर भारत के कोट अन कोर्ट लिबरल मीडिया और वहाँ की कुछ अपोजिशन की कुवतों सिविल लिबर्टीज़ के ग्रोह अमेरिका से जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के या सेंटर लेफ्ट के भी कुछ लोग थे वो दबाव डाल रहे थे कि भारत में जाकर वो भारत में ह्यूमन राइट्स की वाइलेशन कोर्ट अन कोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पे भारतीय हुकाम से बातचीत की है जब उसने पूछा गया कि आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ये बात की थी उन्होंने कहा मैंने वहाँ बात नहीं की लेकिन मैंने कुछ और हुकाम के साथ बातचीत की है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारी पार्टनरशिप बहुत ड्यूरेबल और बहुत आगे तक जाने वाली है शायद डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर लॉयड ऑस्टन का ये कहना कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे बातचीत की है उनके अपने मीडिया उनकी अपनी लेफ़्ट की फोर्सेस और भारत की लेफ्ट की फोर्सेस की दबाव की वजह से की है वरना जिस तरह की पार्टनरशिप आज के जियो पोलिटिकल में भारत और अमेरिका की बन रही है और आगे बढ़ रही है वो शायद ये बात भी ना करते लेकिन भारत चीन की तरह एग्रेसिव तौर से अमेरिका को जवाब नहीं देना चाहता था उन्होंने कहा कि हम इस पर बातचीत करते रहते हैं हम दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और इस पर भी बातचीत होती रहती है क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है लेकिन ये बात वाकई ही इम्पॉर्टेंट है कि आइंदा आने वाले समय में जब भी अमरीका हो कैनेडा हो वेस्टर्न वर्ल्ड हो यूरोपियन यूनियन हो जब भी भारत से ये मुतालबा करें कि आप अपने यहाँ से कोर्ट अन कोर्ट जिसको वो समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन या ह्यूमन राइट्स के वाइलेशन को ख़त्म करें तो उनसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड सिचुएशन में क्या ऐसी बात है अगर नहीं है तो आप ये अनफेयर बात हमसे ना करें क्योंकि भारत को भी अपनी पोजीशन क्लियर करना है जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है कि हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं बिकॉज़ वेस्टर्न वर्ल्ड भी चाहे अमेरिका हो कैनेडा हो यूरोपियन यूनियन हो ह्यूमन समाज हैं और उनमें कोई ना कोई ह्यूमन इश्यूज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के क्लैश वो होते रहते हैं जो कम से कम होने चाहिए और आइडियली तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए लेकिन ह्यूमन सोसाइटीज़ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाएगी अगर इन माशरों में भी ये इश्यूज़ हैं तो भारत की डेमोक्रेसी में भी कभी कभी ऐसे इश्यूज़ सामने आते रहते हैं लेकिन इनको स्टेट के सिरे थोपना और उनको कहना कि आप ये क्रिएट करते हैं ये फिर बहुत अनफ़ेयर बात है कमेंटेटर्स का ख्याल है कि इस पर भारत को भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए खैर ह्यूमन राइट्स की बात हो भारत अमेरिका की बात हो चीन अमेरिका की बात हो लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है शुरू में मैंने जो आपको अलास्का के हवाले से कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाए उससे आपको साफ़ अंदाज़ा होता है कि अमेरिका और चीन के मबैन जो तल्लकात हैं अब और कशीदा होंगे चूँकि ये पावर की जंग है चाइना अमेरिका के इतने बराबर आन खड़ा हुआ है चाहे इकॉनमी की बात हो चाहे टेक्नोलॉजी और साइंस की बात हो अभी चाइना मिलिट्री पावर में यानी अपने जो उनके हथियार हैं उसकी सोफिस्टिकेशन में अभी अमेरिका के करीब नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों में अमेरिका के बहुत करीब है तो जियोपॉलिटिक्स में ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी कैनेडा को भी चीन से एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है जब से कैनेडा के टू माइकल्स चीन की हवावी कंपनी की सी एफ ओ के हाउस अरेस्ट के बाद चीन की जेलों में बुरी तरह परेशान है उन तक कनेडियन हुकाम की भी रसाई नहीं है जबकि यहाँ पर चीन की कंपनी हवावी की सी एफ ओ हाउस रेस्ट में भी हैं और वो बाहर मॉल्स में भी और सड़कों में भी घूम फिर सकती हैं सिर्फ उनको जीपीएस एंकल ब्रेसलेट लगानी होती है इससे ज़्यादा उनकी कोई परेशानी नहीं है लेकिन कनेडियन टू माइकल्स बहुत बुरी हालत में इस वक्त चीनी जेलों में है और रिसेंटली उनके बारे में कोर्ट ने जो हेरिंग की वो हेरिंग भी इनकम्प्लीट छोड़ दी गई ख़तरा ये है कि कहीं उनको डेथ सेंटेंस ही ना सुना दी जाए कैनेडा जी सेवन कंट्रीज़ का मेंबर होने के बावजूद चीन के सामने बेबस है और अमेरिका से मदद मांग रहा है कि अमेरिका कैनेडा की मदद करे और हमारे टू माइकल्स वहाँ से रिहा हो सके ये है चाइना की पावर और मैं तो कहूँगा मिस यूज़ ऑफ पावर लेकिन चाइना अपनी इस माइट के साथ अब कैसे चैलेंज हो सकता है ये अमेरिका और उनके एलाइज ही उसको चैलेंज कर सकते हैं अमेरिका अपने नेटो एलाइज और वेस्टर्न कंट्रीज के एलाइज के साथ चीन का मुकाबला तो कर रहा है या मुकाबला करने का ऐलान कर चुका है दूसरी तरफ क्वाड में ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत को भी साथ मिला के उस रीजन में भी चाइना के लिए चैलेंजेस क्रिएट करना चाहता है लेकिन जियो पॉलिटिक्स की इस दुनिया में देखने वाली बात ये है कि क्या अमेरिका और वेस्टर्निलाइज जिन्होंने चीन को एक माइट बनने में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने में मदद दी क्या अब चीन की थ्रेट्स को वो काउंटर कर सकेंगे क्या वाकई ही जो बाइडेन की ये जो सरकार है ये इतनी कैपेबल है कि अपने पॉलिटिकल करेक्टनेस के वर्जन के साथ चलते हुए चाइना को उसकी हदों के अंदर रख सके इस सवाल का जवाब अमेरिकन कमेंटेटर्स तो देते हैं ये कहकर कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन दुनिया अमेरिकन को वेस्टर्नर्स को ज़रा और टफ़ देखना चाहती है ताकि जो अमेरिकन और वेस्टर्नर्स का क्लेम है कि हम अब चाइना को उसकी हदों के अंदर रखेंगे वो वाकई ही ऐसा कर सकें आज का बीट्स का एनालिसिस जियो पॉलिटिक्स की इस बहुत बड़ी हकीकत के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया आने वाले दिनों में बीट्स में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी नए एनालिसिस लेकर आएंगे और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से भी हम नए से नए एनालिसिस लेकर आएंगे आप स्टेट यून रहिए बीट्स फॉर यू डॉट कॉम के साथ Thank <laughs> you.